हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का हमारा ये 11th असाइनमेंट है, सेल्समैन कमीशन डिटेल हम कैलकुलेट करेंगे। तो आप देख सकते हो हमारी स्क्रीन के ऊपर, ये एक सेल्समैन कमीशन की डिटेल है जिसके ऊपर हमारे ये सेल्समैन गिवन है, और यहाँ पे हम इनका कोड कैलकुलेट करेंगे। कैसे वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल टू यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम कॉन्केटिनेट फंक्शन के जरिए कोड जनरेट करेंगे इनका, कॉन्केटिनेट। और इसके अंदर हम लेफ्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें ये जो हमारे इस सेल्समैन का नाम है, इसके पहले तीन करेक्टर हमें चाहिए अपने इस कोड के अंदर। तो हमने ये सिलेक्ट किया कॉन्केटिनेट लेफ्ट C6 कॉमा, यहाँ पे डालेंगे, तीन करेक्टर हमें चाहिए, और उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा डालेंगे, और यहाँ पे हम अपनी तरफ से कोड जनरेट करेंगे। यानी कि कैसे, स्लैश, ये देखिए हमने स्लैश डाला, और उसके बाद कॉमा, यहाँ पे हम डालेंगे 001, और ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यानी कि तीन टेक्स्ट हमने लिए हैं, लेफ्ट से तीन करेक्टर उठाए हैं, स्लैश डाली है, 001 डाला है, और ये एंटर करेंगे। ऐसे ही अब अगर हम इसको ड्रैग करके यहाँ पे बाकी निकालेंगे, तो बाकी के भी हमारे पास निकल आएंगे। यानी कि पीछे सभी के 001 पढ़ना है, आगे उसका नाम आ रहा है। तो ऐसे आप ये कॉन्केटिनेट और लेफ्ट फंक्शन का यूज करके कोड जनरेट कर सकते हैं। और ये हमारे पास सेल यूनिट गिवन है कि जितने यूनिट इन्होंने सेल किए हैं। ये हमारे पास सेल अमाउंट गिवन है, यानी कि अमाउंट के अंदर कितनी अमाउंट की इन्होंने सेल की है। यहाँ पे हमने कमीशन रेट निकालना है, और ये कमीशन रेट निकालने के लिए हमने यहाँ पे एक ऊपर आप देख सकते हो एक स्लैब बना रखी है, कि जिसकी क्वांटिटी जब वो सेल करेगा, कोई भी हमारा सेलमैन सेल करता है, अगर वो 0 से लेके 2000 के बीच में सेल करेगा, क्वांटिटी की बात हो रही है, यानी कि ये जो यहाँ पे ये लिस्ट बनी हुई है, ये क्वांटिटी के बेस पे है, उसको 5% कमीशन मिलेगी। 2000 से 5000 में सेल करेगा 4%, अगर 5000 से अबव सेल करेगा तो 10% कमीशन हम देंगे। तो यहाँ पे हमने कमीशन निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे इक्वल टू हम लुकअप फंक्शन के जरिए डिटरमिन करेंगे इसको, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। हमें लुकअप क्या करना है, ये सेल इन यूनिट जो इसने सेल किए हैं, एक्चुअल में इस कपिल ने, सेलमैन ने सेल किए हैं, इसका एड्रेस देंगे कॉमा, इसको हम ये पहले कॉलम के अंदर सर्च करेंगे A1 से लेकर A3 तक, उसके बाद हम कॉमा डालेंगे, और हमें जो रिजल्ट चाहिए वो लास्ट कॉलम में से चाहिए। यानी कि ये जो रेट दिए हुए हैं 5% 4%, इसको हम सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे रेट आ गया है, और यहाँ पे हम इसका फॉर्मेट भी सेट कर देते हैं। हमें यहाँ पे ये जो फॉर्मेट चाहिए वो यहाँ पे परसेंटेज, ये बाहर पड़ा है परसेंटेज, ये देखिए 4% आ गया है। तो यानी कि इसने 3000 क्वांटिटी सेल की है, तो 2000 से 5% के बीच में यहाँ रेट हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, 6% कर देते हैं। तो ये देखिए 3000 क्वांटिटी सेल की है इसने, तो ये 2000 5000 के बीच में लाइज करेगा, और ये 6% रेट आ गया है। और ऐसे ही अगर आप इसको ड्रैग कर दोगे, बाकी सभी की निकल आएगी, जैसे कि आप देख सकते हो, तो ये 5000 से अबव है इसका, ठीक है। और एक हमें इसके अंदर काम करना पड़ेगा, ये जो हमने फॉर्मूला लगाया है E6, तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि E6 E7 ये तो चेंज हो, लेकिन ये जो हमारा टेबल है ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस केस में ये थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी अगर ये हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। ये हमारा जो स्लैब है, यानी कि A1 to A3, ये हमें फिक्स चाहिए, तो यहाँ पे हमें डॉलर साइन डालना पड़ेगा, नहीं तो ये इसको भी ये इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए रिजल्ट ठीक नहीं आया था। तो क्योंकि ये हमारा फिक्स है सभी केसेस के अंदर, तो हमने इसको फिक्स कर दिया। ध्यान से देखिए E6, उसके बाद A1 to A3, C1 to C3। अब हमने इसको ड्रैग करना है इस तरीके से, ये देखिए अब बाकी सभी के रेट आ गए हैं 6000 क्वांटिटी, यानी कि 5000 से अबव है तो ये 10%, 9000 क्वांटिटी 10% रेट, 12000 क्वांटिटी 10%, 1000 क्वांटिटी है तो ये रेट 5%। तो ये रेट अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे हमने कमीशन अमाउंट निकालनी है, यानी कि सेल अमाउंट को हमने मल्टीप्लाई करना है कमीशन रेट के साथ। तो ये देखिए हमारे पास कमीशन अमाउंट आ गई है, और अब हमने बोनस देना है कि जिसने सेल 2 लाख से अबव की है उसको हम 1000 एक्स्ट्रा बोनस देंगे, और जिसने 5000 से, यानी कि 2 लाख से कम सेल की है, उसको हम यानी कि
500 का बोनस देंगे, तो यहाँ पे हम इक्वल टू इफ कंडीशन लगाएंगे, और जिसकी सेल अमाउंट यानी कि सेल अमाउंट चेक करनी है हमने, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लाख के बराबर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लाख के बराबर है, ये हमारी कंडीशन है, कॉमा, तो हमने 1000 का कमीशन देना है, और अगर कम है तो हमने 500 का कमीशन देना है। तो ये ध्यान से इस कंडीशन को देख लीजिए, इफ F6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लाख, 1000 का डिस्काउंट, अदरवाइज 500 का, एंटर कीजिए, और इसको आपने ट्रैक कर देना है। जैसे ही आप ट्रैक करोगे बाकी सभी की कमीशन निकल आएगी, जिनकी 2 लाख से ऊपर सेल है 1000, और बाकी जिनकी कम है तो 500 बोनस आ गया। तो इस तरीके से हम ये सेलमैन क्या बनाते हैं, डिटेल कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी कमीशन कैलकुलेट कर सकते हैं।